हमने व्यंजन संधि में पहले कौन संधि पढ़ी थी? पूरी होने के बाद में विसर्ग संधि में कौन संधि पढ़ी थी? सत्व। उसके बाद में दूसरे नंबर की विसर्ग संधि आती है उत्तर विसर्ग संधि। कौन सी आती है? उत्तर विसर्ग संधि है। इसको पढ़ेंगे आप उत्तर विसर्ग संधि। इसका सूत्र है अतो रोर पलुताद प्लुते। अतो रोर पलुताद प्लुते सूत्र है इसका। अतो रोर पलुताद प्लुते एपलुत। एपलुत का मतलब होता है यानी कि रह। ऐसे परे रह को उ हो जाता है। एपलुत ऐसे परे, ऐसे परे परे रह का क्या हो जाता है? उ हो जाता है। अर्थात यदि विसर्ग से पहले ए हो, यदि विसर्ग से पहले ये विसर्ग है, इससे पहले ए हो, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में ए हो, विसर्ग से पहले भी ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है? उ हो जाता। विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है और ए प्लस उ मिलकर के, ए प्लस उ मिलकर के आद्गुण सूत्र से उ हो जाता है। समझ में आया? अतो रोर पलुताद पलुते एपलुत। एपलुत का मतलब होता है आपके विसर्ग से परे ए का क्या हो जाता है? रे का, ए के पहले जो रे होता है उसका उ बनता है। ठीक है, एपलुत का ऐसे परे रे को उ हो जाता है। एपलुत ऐसे परे रहते हैं। ठीक है, अर्थात यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या बनता है? उ। अतो रोर पलुताद पलुते सूत्र से। और विसर्ग से पहले जो ए होता है ये ए प्लस उ आद्गुण सूत्र कहता है। ए प्लस उ मिलकर के आद्गुण सूत्र से उ हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद में ये आता है ए बाद में, उसका क्या बन जाता है? अवग्रह। क्या हो जाता है? ये अवग्रह हो जाता है। ये कौन से सूत्र से होता है? एक पदांतादि सूत्र से। कौन से सूत्र से? एक पदांतादि सूत्र से विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? विसर्ग के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर अवग्रह होता है। क्या होता है? विसर्ग के स्थान पर अवग्रह, यानी कि एक पदांतादि सूत्र से विसर्ग के स्थान पर अवग्रह हुआ। जैसे हमने एक रूप लिखा रामे प्लस एवद, ये रूप लिख दिया। अब विसर्ग है, ये विसर्ग से पहले राम में क्या है? ए है। ठीक है, और इसके बाद में क्या है? ये भी ए है। मैंने बताया था आपके विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या बनता है? उ बनता है। तो ये हो गया आपके राम हलंत आएगा क्योंकि हमने ए को निकाल लिया और ए प्लस उ मिलकर के क्या बन गया? उ। कौन से सूत्र से? आद्गुण सूत्र से। और बाद में जो आता है उसका क्या बनाते हैं? अवग्रह बना देते हैं। तो रूप क्या बन जाएगा? रामो एवद, रामो एवद, ये रूप बन जाएगा। ये हमारे उत्तर संधि का पहला सूत्र था। यदि समझ में आ गया तो देखो, नहीं तो फिर मैं आगे लिखवाता हूं। सीधा ध्यान रखो, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो तो विसर्ग के स्थान पर वो बनता है आद्गुण सूत्र से। विसर्ग के स्थान पर वो बनता है अतो रोर पलुताद पलुते सूत्र से। विसर्ग के स्थान पर उ बना और इससे पहले ए है, ए प्लस उ मिलकर के आद्गुण सूत्र से क्या बना? उ। और बाद में ए आता उसका अवग्रह बनता है। जैसे हमने एक रूप लिखा रामो रामे रामो एवदत, रामे प्लस एवदत, विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा? क्या बनेगा? विसर्ग के स्थान पर क्या बना? विसर्ग के स्थान पर उ और ए प्लस उ मिलकर के ओ हुआ और बाद में ये एवदत आया। ये क्योंकि ए आ रहा है इसका अवग्रह बन जाएगा, रूप बन जाएगा रामो एवदत। देखो और उदाहरण लिखता हूं मैं।
हमने लिखा प्रथम प्लस अध्याय, प्रथम प्लस अध्याय रूप क्या बन जाएगा, प्रथमो अध्याय, ठीक है। को अधुना जैसे हमने लिखा के प्लस अधुना, को अपी के प्लस अपी, नरपे प्लस एक अच्छत, नरपे प्लस एक अच्छत, देवे प्लस अपी, बालके प्लस ए वदतु, से प्लस अपि, ये हमने रूप लिखे कौन से उत्तर संधि के पहले वाले सूत्र से। इसका बन जाएगा विषक आ रहा, विषक के बाद में पहले ए है, प्रथम एम ए में, इसके बाद ए विषक के स्थान पर क्या बनेगा उ, और ए प्लस उ मिलकर के क्या बन जाएगा ओ, प्रथमो, इससे बाद में आता उसका अवर बन जाएगा, रूप बन जाएगा प्रथमो अध्याय। को अधुना, को अपि, नरपो एगच्छत, देवो अपि, बालको एवदत, सो अपि, ये हमारे इस सूत्र से हुआ। इसके बाद में इसी का दूसरा सूत्र है, ये आप हल करेंगे, ऐसे उदाहरण और भी आप लिख सकते हैं, जैसे देवो एवदत आ गया, रामो अपि आ गया, तो आप इस प्रकार से कोई सा ग्रुप बना करके लिख सकते हैं। मनो अनुसार आ गया, मन है प्लस अनुसार है, जैसे मनो अभिलाषा है, मन है प्लस अभिलाषा है, ऐसे रूप और भी आप लिख सकते हैं। यशो अभिवर्धि, यशे प्लस अभिवर्धि, यशो प्लस अभिलाषा, यानी कि यशे प्लस अभिलाषा, आधो अधय, अधय प्लस अधय, और भी आप इस प्रकार से रूप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगला इसी का सूत्र आता है, एक सूत्र और इसी का वासरी, उत्तर संधि का दूसरा सूत्र है, सूत्र नंबर दो अशीच, अशीच सूत्र नंबर इसी का दो आता है अशीच, इसका मतलब होता है विषक से पहले, यानी एपलुत, एपलुत का मतलब ऐसे परे रेखा उ हो जाता है, वही ऐसे परे रेखा क्या हो जाता है उ हो जाता है। और इसके बाद में यदि अस्प्रत्यय में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अस्प्रत्यय में आते हैं तीन चार पांच, है ये वे रे ले, इसे हम कौन संधि कहते हैं, विषक की उत्तर विषक संधि भी कहते हैं। जैसे हमने लिखा ये विषक है, विषक से पहले क्या हो ए हो, और विषक के बाद में कौन से वर्ण हो, हस प्रत्याहार के वर्ण हो, हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है ये वे रे ले, है ये वे रे ले, तो विषक के स्थान पर क्या बनता है उ हो जाता है। और वही सूत्र है हमारे यहाँ आदगुण सूत्र से ए प्लस उ मिलकर के आदगुण सूत्र से किसका निर्माण होता है उ का, ये किस सूत्र से हुआ, आदगुण सूत्र से, आदगुण सूत्र, आदगुण सूत्र से, ठीक है। अशिक्षय सूत्र कहता है विषक से पहले ए हो, पहले क्या था अतरोर पलतर अपलतर सूत्र ने कहा विषक से पहले ए हो, विषक के बाद भी ए हो, अब ये सूत्र कहता है अशिक्षय विषक से पहले ए हो, विषक के बाद में ए न आकर क्या हो, हस प्रत्याहार के वर्ण हो, तीसरा चौथा पांचवा, है ये वे रे, विषक के स्थान पर उ बनता है, ए प्लस उ मिलकर के आदगुण सूत्र से क्या होता है उ हो जाता है, तो हमारी ये कौन सी संधि होती है, उत्तर विषक संधि होती है। जैसे हम रूप लिखते हैं इसके, ये मिटा दें क्या, चलो ठीक है लिख दिया, तो जैसे मैंने एक रूप लिखा, ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा मने प्लस रथ, नमः प्लस नमः, यसे प्लस दा, सरे प्लस वरे, सरे प्लस जे, मने प्लस जे, यसे प्लस गानम, देवे प्लस वदती, बालके प्लस वदती,
ये रूप लिख दिया। इसमें और लिख देता हूं एक आगे, और मन है प्लस हर है, मन है प्लस रथ है। देखो ये हमने लिखा मन है प्लस रथ है, पहले से लिख दिया इसमें, तो इसमें विषक के बाद में ये क्या आ रहा है, ट्रे आ रहा, तीन चार पांच है ये पहले आते हैं, तो विषक के स्थान पे क्या बनता है, उ। और इसमें नए में मन में क्या है, ए प्लस उ मिलकर के आद गुण सूत्र से ओ है, संधि तो उत्पन्न है, कहीं गुण लिख दो तो इसमें क्या हो जाएगा, रूप बन जाएगा मनोरथ। इसमें वही पांचों बना रहा है, नमो नम है, यशोदा सरोवर है, सरोज मनोज यशोवानाम देवो वदती बालको वदती मनोहर मनोरथ योगदान पहले भी आ गया, ठीक है, नरको गचती नरपे प्लस गचती, इस प्रकार से आप रूप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे आप दूसरी संधि में द्वितीय विषयक संधि पढ़ेंगे, दो हमने संधि विषयक की पढ़ी, इसके बाद इसका आप अभ्यास करेंगे घर पे और पीडीएफ भेजेंगे, पीडीएफ के अनुसार आप समझेंगे, कोई समझ में नहीं आ रहा उसके बाद कोई भी उदाहरण हो कोई भी सूत्र हो तो आप एक बार फोन करके पूछ सकते हैं। ये फोन नंबर है 2 संधि अब 2 संधि और आती है ऋतु और लोप विषयक संधि की, फिर हमारे संधि का टॉपिक पूरा हो जाएगा, अगला टॉपिक लेंगे। हाँ, ये नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट के अनुसार पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या आती है संधि विच्छेद में आती है या आपके सूत्र में कोई समस्या आती है, सर इस सूत्र का मतलब क्या होता है या कोई रूप समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप आराम से कभी भी पूछ सकते हैं।